टिकट टू फिनाले टास्क के थर्ड राउंड के विनर बने प्रतीक सहजपाल। शमिता शेट्टी को मात देकर प्रतीक सहजपाल ने जीता टिकट टू फिनाले टास्क का तीसरा राउंड। वेल, बिग बॉस ओटीटी के घर में आज बिग बॉस ने सारे ही कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस ओटीटी के फिनाले का फर्स्ट कंटेंडर बनने का चांस दिया था। इसके चलते बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट्स को दिया था एक टास्क, जिसे टिकट टू फिनाले टास्क का नाम भी दिया गया था। इस टास्क के चलते बाहर गार्डन एरिया में दो ट्रैक्स बने हुए थे, जिस पर दो कंटेस्टेंट्स को चलना था अपने हाथ में पानी का जग लेकर। वह इसी टास्क के तीसरे राउंड में शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल इसका हिस्सा बनते नजर आए। इस टास्क का संचालन किया निशांत भट्ट ने, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये राउंड शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जी हाँ, इस राउंड के शुरू होते ही प्रतीक सहजपाल ने शमिता शेट्टी को दिया धक्का, जिसके कारण वो गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में उनका पानी का जग भी गिर गया, जिसके चलते प्रतीक सहजपाल तीसरे राउंड के विनर बन गए। वेल, इस टास्क का सेमीफिनाले होगा कल, जो देखा जाएगा नेहा भसीन, प्रतीक सहजपाल और राकेश बापत के बीच। इन तीनों में से जो भी कंटेस्टेंट ये सेमीफिनाले राउंड जीतेगा वो बन जाएगा बिग बॉस ओटीटी के फिनाले का फर्स्ट कंटेस्टेंट। आपको क्या लगता है, आखिर कौन होगा बिग बॉस ओटीटी फिनाले का पहला कंटेस्टेंट? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।